क्या आप जानते हैं कुर्ता पैजामा का कुर्ता हिंदी नहीं एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक ऐसी शर्ट जिसका कॉलर नहीं होता, जबकि पैजामा दो पर्शियन वर्ड्स को मिलाकर बना है जिसमें पै का मतलब है पैर और जामा का मतलब होता है कवर। चलिए कुर्ते पैजामे पर पड़ी हुई कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों पर से कवर हटाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में हरप्पन आदमी और औरतें बिना सिले हुए लपेटने वाले कपड़े पहना करते थे। सिले हुए कपड़ों का परिचय सेंट्रल एशिया के माइग्रेटेड लोगों की वजह से शुरू होने लगा। पर्शियन लोगों ने यहाँ स्टिचिंग को इंट्रोड्यूस किया और वर्बाना बनाए जो एक तरह के नी लेंथ ट्यूनिक्स थे जिनके दोनों साइड्स में स्लिट्स थे और हाफ और फुल स्लीव्स दोनों डिजाइन में आते थे। यहीं से कुर्ते बनाने की प्रेरणा मिली। जब कुषाण ने अपना साम्राज्य नॉर्थ की तरफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैलाया तो बहुत ठंडा मौसम होने की वजह से उन्होंने कुर्ते के साथ ओवरकोट पहनना शुरू कर दिया। तब कुर्ता अंदर पहने जाने वाली एक वेशभूषा बन गई जो कि बस गले के आसपास ही दिखती थी। बादशाह अकबर के जमाने में बनी पेंटिंग में देखा जा सकता है कि कैसे पैजामा कमर से घुटने तक तो ढीला ढाला है पर घुटने से एड़ी की तरफ जाते हुए ये टाइट हो जाता है। नीचे की तरफ पैरों पर ये इकट्ठा हो जाता है जिसका मतलब ये है कि ये पैरों से काफी बड़े होते थे और ऊपर की तरफ खींच कर पहने जाते थे। अकबर के समय में पैजामे सॉलिड कलर में आते थे और काफी फैशन में थे। मुगलों के समय में पैजामे के स्टाइल ने और बहुत सारी वेशभूषाओं को प्रेरित किया जैसे चूड़ीदार, शलवार, ढीलजा, गरारा और फर्शी पैजामा। रईस राजपूतों और दरबारी मुगलों की वेशभूषा काफी हद तक मिलती जुलती थी। रईस राजपूत अचकन के साथ चूड़ीदार पैजामा पहनते थे और निजाम औरतें कोटी के साथ स्लीवलेस कुर्ता पहनती थी। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय ब्रिटिश राज की क्रूएल्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इंडियंस ने उनके बनाए हुए कपड़ों का बहिष्कार कर दिया। उस समय हाथों से बनाए हुए खादी के कुर्ते इंडिया की सबसे पसंदीदा वेशभूषाएं बन गए क्योंकि इन्हें पहनना देशभक्ति का प्रतीक माना जाता था। कुर्ता पैजामा सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए, खास करके पैजामा जिनकी वेस्ट में बहुत डिमांड थी। विक्टोरियन एरा में ब्रिटिशर्स का पूरी दुनिया में बोलबाला था और उनकी वजह से पैजामे को पूरे वर्ल्ड में पहचान मिली। 20th सेंचुरी के अंत तक यूएस, यहाँ तक कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भी कुछ कंट्रीज के लोगों ने पैजामे को आराम और फैशन स्टेटमेंट दोनों के लिए पब्लिकली पहनना शुरू कर दिया था। ट्रेडिशनली कुर्ता कॉटन, खादी और सिल्क से बनाया जाता था पर अब दूसरे फैब्रिक्स का इस्तेमाल भी होने लगा है। समय के साथ कुर्तों के डिजाइन, उनके फैब्रिक, कलर्स और उन्हें बनाने की तकनीक में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। चलिए अब आपको आजकल मिलने वाले कुर्तों के कुछ अलग अलग डिजाइन और स्टाइल्स के बारे में बताते हैं। शॉर्ट कुर्ता, लखनवी कुर्ता, पठानी कुर्ता, मुक्तसरी कुर्ता, बंगाली कुर्ता, साइड बटन कुर्ता, फ्रंट बटन कुर्ता, मैंडरिन कॉलर कुर्ता, वी कट कुर्ता, एम्ब्रॉयडरी कुर्ता। कुर्ता पैजामा एक ऐसी वेशभूषा है जो आपको हर इंडियन के वार्डरोब में मिल जाएगी। प्री इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक कुर्ता पैजामा लीडर और पॉलिटिशियंस की आइडियल वेशभूषा मानी जाती है। जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी से लेकर
नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने बहुत से पब्लिक ओकेजंस में कुर्ता पहना है और बड़े बूढ़े लोग कुर्ते को धोती के साथ पहनते हैं। कुर्ते को टाइट फिटिंग चूड़ीदार पैजामे के साथ भी पहना जा सकता है। इन्हें बहुत से फेस्टिवल जैसे होली, दिवाली और अन्य त्योहारों में एथनिक फील के लिए भी पहना जाता है। इंडियंस ही नहीं, कुर्ते पैजामे ने बहुत से हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी ड्रेसअप किया है। बीटल्स ने अपनी 1968 की इंडिया विजिट में कुर्ते पैजामे को अपनी वेशभूषा बनाया। स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कुर्ते पैजामे को बांधनी दुपट्टे के साथ पहना था। मुगल एरा से लेकर आज तक कुर्ते पैजामे की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। इस वेशभूषा ने हर एरा में लोगों के वार्डरोब में अपनी जगह बनाई है और आगे भी बनाता रहेगा। क्या आप जानते हैं पंजाब का गौरव फुलकारी भारत के सबसे प्रसिद्ध दुपट्टों में से एक है और ये कला पर्शिया के गुलकारी कला से उत्पन्न हुई है। ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए वेशभूषा।